हाय एवरीवन, आज अपन देखने वाले हैं पंप और डंप स्टॉक होते क्या है और एज ए इन्वेस्टर अपन ने इससे कैसे बचना चाहिए ताकि अपना शेयर मार्केट में नुकसान ना हो। तो आगे बढ़ने से पहले अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है। एंड मीनवाइल अगर आप फ्री में डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो नीचे लिंक दिया है, इसको क्लिक करके यू कैन ओपन फ्री डीमैट अकाउंट। चलिए, सो नाउ पंप एंड डंप का मतलब है कि आर्टिफिशियली ये फ्रॉड है जिससे हम आर्टिफिशियली शेयर का प्राइस बढ़ाते हैं। और कोई शेयर 2 रुपये का है तो आर्टिफिशियल उसका प्राइस हम 50 तक लेके जाएंगे, हम तो 2 रुपये में खरीदेंगे। जब वो 50 में जाएगा हम हमारे शेयर बेच देंगे, बाद में देर इज नो आर्टिफिशियल डिमांड एंड प्राइस एकदम नीचे आ जाएगा और वो कभी नहीं बढ़ेगा। जो लोग फंस गए वो फंस गए, उनका परमानेंट लॉस। तो उसको बोलते हैं पंप। पंप मतलब इस स्ट्रैटेजी जहाँ पे आर्टिफिशियली प्राइस बढ़ाया जाता है। एंड डंप मतलब जब भी प्राइस एक पीक पे जाता है हम उसको बेच देंगे, हम प्रॉफिट बुक कर देंगे एंड जिन लोगों ने हायर रेट पे खरीदा है वो नुकसान में चले जाएंगे क्योंकि बाद में प्राइस बहुत जबरदस्त गिर जाएगा। तो इसको बोलते हैं पंप एंड डंप। ठीक है, तो यहाँ पे अभी पंप मतलब आर्टिफिशियल प्राइस बढ़ा मैंने बता दिया। अभी कैसे पता चलेगा? काफी बार देखो आपको अनट्रस्टेड सोर्स से न्यूज आता है कि कंपनी को बड़ा ऑर्डर मिला है, किसी व्हाट्सएप ग्रुप पे आ सकता है, फेसबुक पे आ सकता है, करेंगे टेलीग्राम ग्रुप पे आ सकता है, जहां कहीं भी कनेक्टेड हो या कोई ब्रोकर आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता है, किसी दोस्त से रिलेटिव, ये इन्फॉर्मेशन कहीं से भी आ सकता है। यानी कोई स्ट्रक्चर एरिया नहीं कि कहाँ से न्यूज़ आता है, तो ये न्यूज़ मार्केट में फैलाया जाता है कि कंपनी का रेट बढ़ने वाला है, बढ़ने वाला है, बढ़ने वाला है। अपन तो सबसे पहले खरीद के रखेंगे 2 रुपये में, तो उससे बढ़ने वाला वो क्या होगा, बढ़ता जाएगा। एंड डंप का मतलब क्या है? एक बार प्राइस इंक्रीज हो गया हम हमारा प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल जाएंगे एंड जिन लोगों ने लिया है वो खत्म हो जाएंगे। उसको बोलते हैं पंप एंड डंप। नाउ अभी कितने प्रकार के, इसमें 3 प्रकार के स्कीम होते हैं। पहला होता है क्लासिक पंप एंड डंप स्कीम। अभी क्लासिक के अंदर से इसमें क्या होता है, आपको वहां टेलीफोन या वहां न्यूज है ना, आपको बताया जाता है कि हमारे पास कंपनी का इनसाइड इंफॉर्मेशन है, तो टेलीफोन में बताया जाएगा। फेक न्यूज, आपको उसका स्क्रीनशॉट फेक न्यूज का एक ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में सर्कुलेट किया जाएगा कंपनी के नाम से कि कंपनी इज अबाउट टू रिसीव दिस मच ऑर्डर, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ने वाला है ना। सो विच विल अट्रैक्ट यूर, मतलब जिससे आपको लगे कि हम इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, तो ये एक तरीका है। इसको बोलते हैं क्लासिक पंप एंड डंप, जहाँ पे बाय स्प्रेडिंग द फेक न्यूज दिस विल हैपन। सेकेंड बॉयलर रूम। बॉयलर रूम में क्या होता है, जो बड़े बड़े स्टॉक ब्रोकर है, मतलब ब्रोकरेज फर्म बोल सकते हैं स्मॉल, दे अपॉइंट मेनी ब्रोकर्स एंड ब्रोकर्स को बोलते हैं कि तुम तुम्हारा क्लाइंट का सजेस्ट करो। दिस इज डिसऑनेस्ट मीन ऑफ सेलिंग द शेयर्स। तो ये ब्रोकर आपको बताएगा कि ये लो अच्छा है, बढ़ने वाला है, बढ़ने वाला है। तो एक ब्रोकर के पास 500 क्लाइंट, ऐसे 100 ब्रोकर को बोल दिया तो 50,000 लोग में से 10,000 तो लोग खरीदेंगे एंड जब 10,000 लोग वो स्टॉक खरीदेंगे तो मूवमेंट तो होगा कि नहीं होगा, बिकॉज डिमांड बढ़ता जाएगा, डिमांड बढ़ता जाएगा। ये दूसरा तरीका है एंड हाईएस्ट रेट पे जाके बेचता है। रॉन्ग नंबर स्कीम में मतलब आपको कोई कॉल आएगा, वॉइसमेल बोल सकते हैं, करेक्ट ना, आपको कॉल आएगा जिसमें आपको बोला जाएगा कि आपको पता है क्या, ये शेयर का रेट इतना था, एक दिन में इतना हो गया, अभी इतना होने वाला है। सो लाइक दिस यू विल गेट सम कॉल एंड देन वंस यू गेट द कॉल यू स्टार्ट सर्चिंग अबाउट द स्टॉक एंड ऑटोमेटिकली एवरीवेयर मीन स्टार्ट सर्चिंग एंड द प्राइस इन द एंड प्राइस विल गो अप। तो ये होते हैं पंप एंड डंप स्कीम। अब क्वेश्चन इज, अब ये तो आपको समझ में आ गया, अब इससे इसको कैसे आपको पता चलेगा? सबसे सिंपल तरीका है, आपको पास्ट ट्रेंड देखना है कंपनी का। ये सडनली पर्टिकुलर पीरियड में अगर बढ़ रहा है तो देखो कि एटलीस्ट 6 महीने का ट्रेंड है ये बढ़ने का, या कुछ समय का है, करेक्ट ना, क्योंकि ये फ्रॉड 2-3 महीने में खत्म हो जाते हैं। तो डायरेक्टली नहीं खरीदना है, आप उसका ट्रेंड देखो, उसके टर्नओवर देखो कि कंपनी का टर्नओवर लास्ट 5 साल में कुछ बढ़ा नहीं है, प्राइस सडनली बढ़ रहा है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। सो डायरेक्टली ओनली बेस्ड ऑन प्राइस इंक्रीज नेवर बाय द स्टॉक। आप चेक करो कि कंपनी का 5 साल का परफॉर्मेंस क्या है, टर्नओवर कितना इंक्रीज हुआ है, प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है क्या, कुछ कंपनी को रियल ऑर्डर मिला है क्या, ये जेन्युइन सोर्सेस से चेक करो। इंस्टेड ऑफ वन यू में है 3 ब्रोकर्स, नो प्रॉब्लम, चेक डेटा एंड उसके बाद आप कॉल लो, ताकि आपके साथ चीटिंग नहीं होगा। लेकिन इफ यू टेक डिसीजन बेस्ड ऑन सम इंफॉर्मेशन एंड देन देयर इज नो पॉइंट इन क्राइंग आफ्टरवर्ड्स। अच्छा, अभी काफी लोग बोलते हैं कि सर हम फंस गए, हम शेयर होल्ड करके तो बढ़ेगा क्या? वो इतना नहीं बढ़ेगा क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस है नहीं। तो 64 रुपीज का शेयर 3 रुपये पे आ गया एंड आपने होल्ड करके रखा है, वो इतना कवर अप कभी नहीं होगा। 3 रुपये का 65 रुपये मतलब कितना टाइम्स हो गया है ना, 20-22 टाइम्स बढ़ेगा क्या? वो प्रैक्टिकली नहीं बढ़ेगा। इफ यू लुक एट द कंपनीज लास्ट 5 इयर्स परफॉर्मेंस। तो इन सब का एक ही उपाय बचने के लिए,
कंपनी का पास्ट डेटा एनालिसिस करो एंड 6 महीना ट्रेंड देखो क्या है, उसके बाद 6 महीना में एक एग्जांपल ले रहा हूँ, यू हैव टू यू नीड टू लुक अ ट्रेंड फॉर सम पीरियड। 6 महीना मतलब रिजनेबली, वो 6 महीना अगर ट्रेड हो रहा है मतलब कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, फिर भी फिनेंशियल एनालिसिस करना है उसके बाद डिसीजन लेना है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा, तो लाइक जरूर करना एंड इफ यू वॉन्ट टू ओपन फ्री डीमैट अकाउंट, नीचे लिंक दिया उसको क्लिक करके यू कैन ओपन फ्री डीमैट अकाउंट। तो गाइस थैंक यू सो मच, वीडियो एंड तक देखने के लिए आपका हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। बाय बाय।